देखो जब मॉर्निंग में आप आते हो, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग अभी शुरू हो रही है, तो मॉर्निंग में जब आते हो तो सबसे पहले जब तक मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट कितने बजे, 9:04 हो रहे हैं इस समय, और आपका मार्केट खुल कितने बजे जाता है, 9 बजे। 9 बजे देखो ये आपका निफ्टी टिक चलने शुरू हो जाते हैं, निफ्टी अपना मूवमेंट करता है, ये 9 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा और 9:08 पे स्टिल हो जाएगा। जैसे ही 9:08 होंगे तो ये जहां पर भी होगा रुक जाएगा और 9:15 पर वहीं पर मार्केट खुलेगा। इसका मतलब 9 बजे आपको ये पता लग जाता है कि मार्केट करने क्या वाला है, 9:08 पे आपको पता लग जाता है कि मार्केट स्टिल कहां पर हो रहा है, और 9:15 पे आपको ये पता लग जाता है कि मार्केट खुल कहां है। मतलब 9:08 पे जहां पर भी रुकेगा एग्जैक्टली वहीं पर ही 9:15 पे मार्केट खुलेगा। तो हम यहां से ही पहले तो ये देखो, इस समय बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी वहीं पर रुका हुआ है, बैंक निफ्टी 9:08 पर ओके होगा तब ये सारा चेंज हो जाएगा और उसी मोमेंट जितने भी आपके स्टॉक्स हैं सारे के सारे अपने मोमेंट पे आ जाते हैं। तो अगर हम यहां से देखते हैं इस समय, तो देखो 9:06 हो रहे हैं, 2 मिनट मार्केट के स्टिल होने में बचे हैं, तो 19826 कहां पर आता है पहले तो ये देखे। और दूसरी बात, इसको और कैसे चेक कर सकते हैं, जरा इसको 1 आवर में एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से चेक करना मैं क्या कर रहा हूं, ये मॉर्निंग का आपका काम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने देखा कि मार्केट एनवे बना के ऊपर जा रहा है तो मेरे को सेलिंग नहीं करनी है, पॉइंट क्लियर है। अगर आपको लगता है मैं मार्केट एनवे बना के ऊपर जा रहा है, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, अगर आपको पता लगता है कि मार्केट एनवेव बना के ऊपर जा रहा है, एनवेव का मतलब अगर आपको एक भी ऊपर गया, डाउन आ गया, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया, एक भी निकल गया, तो इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ है, इसमें मेरे को सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। सेलिंग करेंगे तब जब मार्केट इस लो के नीचे चलना शुरू होगा तो ही हमारी सेलिंग होगी। तो अब मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या एनवेव बना के ऊपर चल रहा है, अगर ये चल रहा है ठीक है तो हम एकदम से इसे सेल नहीं करेंगे। तो अब मैं पहले देखता हूं कि मार्केट का ये जो मूव है क्या ये एनवेव फॉर्म में है, फिर मेरे को एनवेव ढूंढनी है। ये मार्केट ऊपर गया, इतना छोटा छोटा मत लेके जाना, ये जो ये वाला होता है ये सब मत लेके जाना, मार्केट का एक बड़ा मूव पे चलो। बड़ा मूव क्या है, यहां से मार्केट गया, ये देखो नीचे आया, ये मार्केट ऊपर गया और ये इसका सपोर्ट होना चाहिए था और मार्केट देखो वहीं पर ही आके रुका, फिर मार्केट को इसके ऊपर चले जाना चाहिए था, मार्केट अभी तक गया नहीं, मार्केट यहीं पर ही घूम रहा है। इसका मतलब अगर आज मार्केट इसके ऊपर कहीं पर भी खुलेगा तो एक बुलिश मूवमेंट ले सकता है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर मार्केट इस लो के नीचे खुलता है कहीं पर भी तो मार्केट एक डाउन साइड चल पाएगा, कम से कम लो के नीचे मार्केट होना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, हमारा मार्केट का सपोर्ट कहां पर है, क्यों देशी जी इसका सपोर्ट कहां पर मिलेगा, क्यों सुरेश जी सपोर्ट कहां पर है, अभी मैं सेलिंग पे नहीं जा रहा हूं, इस समय मार्केट कहां पर चल रहा है, देखो 9:08 हो गए, ये स्टिल हो गया और इस समय आपको बैंक निफ्टी भी देख रहे ओपन हो गया और यहां पर आपको देखो सारे स्टॉक्स वगैरह सब अपनी पोजिशन पे आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक छोटा सा काम करना है, वो ये करना है, देख रहे हैं 19843 ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है, 19843 पर मैं एक लाइन लगा देता हूं जिससे आपको पता रहे, ठीक है। ये मैं ग्रीन लाइन लगा देता हूं, ग्रीन लाइन लगा देता हूं 19843 पर, ये मैं ऊपर गया 8:43 देखो सबके ऊपर खुल रहा है कि नहीं, बताओ यस और नो, इससे आपको कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि मार्केट एक बुलिश साइड खुल रहा है, देख रहे, ठीक है, पॉइंट समझ रहा है। इसका मतलब थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो इसको मार्केट जो भी करेगा वो सब अलग बातें हैं, 19843 देखो, अब पॉइंट को समझना, ये पॉइंट आपके काम का है, बहुत पॉइंट काम का है। अब मैं जरा 2 मिनट के लिए इसको समझा देता हूं, इसको समझना, ट्रेड लेना उसके हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता कि 9 बजे और आपने ट्रेड लेना शुरू कर दिया या मार्केट खुला आपकी एंट्री शुरू होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट को पहले समझते हैं, मैंने देखा ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया, मैं ठीक से ही बना देता हूं, मार्केट देखो ऊपर गया, मार्केट ने रिट्रेस किया नीचे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब यहां से ऊपर चले तो डायरेक्ट ऊपर चला जाए, दो तरीके से जा सकता है यहां पर,
या तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ऊपर चला जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, अब बताना मेरे को कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट यहीं पर ही रुका रहे कई बार, नहीं हो सकता, और फिर जाके ब्रेक करे, हो सकता है कि नहीं? ये सर क्यों याद रखी, हो सकता है ऐसे साकेत जी? तो अब केस यहां पर क्या बना, आप जरा देखते हैं केस यहां पर क्या बन रहा है। अब हमने देखा यहां पर, अगर मैं देखता हूं तो देखो मार्केट ऊपर गया और यहां से नीचे आया था, ये डायरेक्ट शूट कर गया, ये डायरेक्ट शूट कर गया। लेकिन अब की बार केस क्या हुआ, अब की बार मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट नीचे आया तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट देखो धीरे धीरे धीरे, ये देखो धीरे धीरे जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता था मार्केट यहां कहीं खुल जाता, फिर अगले दिन यहां कहीं खुलता, या ये भी डायरेक्ट हो सकता था मार्केट डायरेक्ट ऊपर खुल जाता। तो आज मार्केट क्या कर रहा है, आज मार्केट देखो यहां पर था, डायरेक्ट ऊपर खुल रहा है। तो इसका मतलब ये बुलिश साइड हुई या बियरिश साइड हुई, पहले तो ये बताए प्लीज। क्यों सुरेश जी, राकेश जी, महेश जी, बुलिश साइड? सर वो रेड वाली कैंडल में भी सपोर्ट है ना सर? हाँ, ये वाली नीचे, हाँ ये भी सपोर्ट है। हाँ देखो अब यहाँ पर आप देखो, आप समझते मार्केट यहाँ क्या कर सकता है, हमें नहीं पता भी 11 हो रहे हैं, मार्केट यहाँ दो काम कर सकता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट यहाँ खुला तो ऊपर ही जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट यहाँ पर खुल के देखो, यहाँ खुल रहा है मार्केट, यहाँ पर खुल के अपना ये गैप छोड़ के गया मार्केट या नहीं, इतना बड़ा गैप, तो ऐसा भी तो कर सकता है मार्केट यहाँ से खुल के सीधा गैप कवरिंग के लिए आ जाए नीचे पहले, तब वापिस ऊपर जाए, हो सकता है ऐसा या नहीं? हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, जैसे ही मार्केट खुलता है हम यहां पर देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। अगर मार्केट का रिएक्शन हमें मिलता है डाउन साइड में तो हमें सेलिंग नहीं करनी, ध्यान से चेक करना, क्योंकि मार्केट एक बुलिश साइड में खुला है तो अगर मार्केट नीचे आएगा मैं सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढने आएगा। आपने अगर किसी चीज को बॉल को ऊपर से फेंक दिया नीचे आया तो मार्केट ये बॉल सपोर्ट ढूंढेगी कहीं ना कहीं, तभी तो बाउंस बैक करेगी, तो ये सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो अब अगर मैं सपोर्ट ढूंढूंगा तो मेरे कौन कौन से सपोर्ट मेरे काम करेंगे, मैं उस सपोर्ट को बना लेता हूं और अपने नेगेटिव साइड ढूंढने के लिए मैं इन सपोर्ट को मार्क कर रहा हूं। तो मार्केट अगर यहां से नीचे आएगा तो आपका एक सपोर्ट ये बनेगा, राइट है, सही है, बताते रहे मेरे को सही है या नहीं है प्लीज बताए, राइट है? तो सबसे पहला सपोर्ट मार्केट को ये मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं मार्क कर रहे, ये तो पहले से ही सपोर्ट है ना, मार्केट तो यही खुल रहा है, तो जबरदस्ती सपोर्ट को मार्क कर देगी, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, करने को कर सकते हो इस सपोर्ट को भी मार्क, मगर जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अगर आपको लगता है तो इसको मार्क कर लो, ये देखो ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसके ऊपर मार्केट खुल रहा है। तो अब मैं इसके लिए प्रिपेयर रहूंगा, इसके लिए प्रिपेयर रहूंगा कि मार्केट अगर यहां खुल रहा है और अगर ये नीचे चलने लगता है 1% तो यहां तक आ सकता है, तो मेरे दो सपोर्ट हो गए, एक तो जहां मार्केट खुल रहा है और एक मार्केट जहां पर आ सकता है, तो दो सपोर्ट पे मैं मार्केट को जज करने की कोशिश करूंगा। आप देखते हैं, देखो 13 हो गए, 2 मिनट बाद मार्केट खुलेगा, मेरे को क्या देखना है, मेरे को केवल ये देखना है कि मार्केट जहां पर भी खुलेगा यहां से नीचे चलता है कि ऊपर चलता है, और मेरे को जो मेरी अपनी प्रोबेबिलिटी बोलती है कि मार्केट एक बार जरा सा नीचे आएगा और फिर बैक मार के ऊपर चला जाएगा, तब ऊपर चलेगा। लेकिन असल में सारा प्रोसेस हो क्या रहा है, सारा प्रोसेस कोई अलग चीज नहीं हो रही है, वही एनवेव काम कर रही है। देखो मार्केट किस समय कर क्या रहा है, हमें तो इतना सा दिखाई देता है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहां पर ऊपर गया है, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं था, अभी नीचे ही है, मार्केट 50% पे आ रहा है और 50% से धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। मार्केट यहाँ खुला तो मार्केट हो गया पॉजिटिव, अब मार्केट इसके ऊपर आराम से चल सकता है, लेकिन अगर ग्रीन चलेगा तब, अगर नहीं चलेगा तो ऐसा भी कर सकता है मार्केट की यहां से आप मार्केट थोड़ा सा नीचे आए फिर अपना बाय उठा, ऐसा भी कर सकता है मार्केट, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कि मार्केट यहां पर करेगा क्या, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद मार्केट खुलने वाला है तो हम देखते हैं यहां पर क्या होता है। सर ये ऊपर वाली सपोर्ट है ना सर, उसने ऊपर जाकर एन वेव हो गई तो फिर हमने बाय करना है ना सर? हाँ, देखो,
एमवे पर भी नहीं, जरूरी नहीं है मार्केट में। देखो यहाँ पर दो तरीके से बाय कर पाते हो आप। पहला तरीका आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पर वेट करो कि मार्केट एनवे बना दे, राइट, एक तरीका। लेकिन आपको पहले से पता है मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पर मार्केट दो काम कर सकता है। देखो मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ पर मार्केट एक बाय साइड पकड़ सकता है। हमें क्या दिख रहा है मार्केट, देखो अभी क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक डाउन आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, यस और नो, ध्यान से देखते रहिए। हमने क्या बोला था मार्केट क्या कर सकता है, यस एनी वन, क्या कर सकता है मार्केट, डाउन होके ऊपर चलेगा, ठीक हो गया। तो मार्केट एक डाउन साइड में आके तब ऊपर चल सकता है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, कहां तक मार्केट आ सकता है ये भी बताएं, यस कहां तक आ सकता है, हम नीचे वाले सपोर्ट तक, हमने यही बोला। मार्केट में एकदम से घुस जाना अच्छी बात नहीं है, मार्केट हो सकता है पूरा ही नीचे गिर जाए, हो सकता है ये भी कि नहीं, कोई कंडीशन थोड़ा ऊपर ही जाएगा। मार्केट ऑलरेडी अपने गैप अप पे खुला है, कितने पॉइंट का गैप अप है ये चेक करें। मार्केट था 19730 पे और यहाँ था 19840, तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुला है मार्केट। तो अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नहीं बताए, यस, अब जरा देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक, एक मिनट पे यहाँ पर मार्केट को लगा लेता हूँ और हम यहाँ पर एक एक मिनट पे प्राइस एक्शन को चेक करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट प्राइस एक्शन में क्या चल रहा है। अभी देखो मार्केट अभी नीचे चल रहा है, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो पुरानी कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए, नहीं, हमने पढ़ा है ना ये, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पुरानी कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए, अभी मार्केट ऊपर नहीं निकला है। तो मार्केट को अभी हम वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो मार्केट अपना बाय बनाएगा, नहीं तो मार्केट सपोर्ट पर आएगा। तो इस समय मार्केट जो है वो सपोर्ट पर है, देखिए ट्राई कर रहा है मार्केट ऊपर जाने की, मगर अभी मार्केट गया नहीं। अभी देखिए ये ट्राई करना शुरू किया मार्केट ने और मार्केट अपना एक बाय उठाएगा यहां से, अभी नहीं उठाना शुरू किया, अभी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करता क्या है। देखो नीचे के आ सकता है, मार्केट का एक मिनट में प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट ऐसे या नहीं बताए, हाँ यार चलना चाहिए एक मार्केट ऊपर, और क्या मार्केट ऊपर चल गया, अब मेरे को ये बताएं क्या मार्केट ऊपर चल गया, अभी नहीं चला, नहीं चला, अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है और उसी के हिसाब से हम अपना कोई ट्रेड उठा सकते हैं। अभी ट्रेड उठाने का टाइम नहीं है, देखिए अभी चल रहा है मार्केट, देख रहे अभी चलने की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं मार्केट। अब जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा, मार्केट अपने माइक को बंद कर ले, देखो मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो अपना बाय उठाएगा मार्केट, अभी उठाना शुरू नहीं किया। देखिए अभी मार्केट यहां पर अपना रिएक्शन दे रहा है, मार्केट देखेगा यहां पर क्या करना है, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा, अभी नहीं शुरू किया। तो मेरे को यहां पर चेक करना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, अगर रिएक्शन पॉजिटिव रहा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, अगर 1% नीचे आता है तो ये सपोर्ट लेने आएगा मार्केट या नहीं, या तो मार्केट यहां से एक मिनट का एक एनवे बना के ऊपर निकल जाए और या फिर इसके नीचे आ जाए। तो हमें देखना है कि मार्केट करेगा क्या यहाँ पर। एक मिनट में केवल मैं प्राइस एक्शन को चेक कर रहा हूं और प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अपना कोई बाय ढूंढ सकते हैं। और अभी देखो क्या कोई प्राइस एक्शन बना है, प्लीज बताओ, कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको अभी, एक मिनट का सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे एक भी प्राइस एक्शन नहीं बना है। तो अगर मार्केट उसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमारा कोई बाय बनेगा, नहीं तो मेरा कोई बाय अभी फिलहाल नहीं है, यही मान रहे हैं। तो अब देखते हैं मार्केट यहां पर करता क्या, वेट करते हैं। और यहां पर 2 मिनट 5 मिनट वेट करने में कुछ नहीं जाता, अगर मार्केट वहां से बाय उठाएगा तो अपना बाय दे देगा मार्केट, अदरवाइज गैप कवरिंग के लिए नीचे मार्केट आ सकता है। हाँ ये जरूर है कि मार्केट अगर इसके नीचे निकला तो हमें उतना अच्छा मोमेंट नहीं मिल पाएगा, फिर हमें मार्केट को यहीं कहीं सपोर्ट लेके, जहां मार्केट खुलता है पहली बार तो मार्केट को यहीं से सपोर्ट लेके निकल जाना चाहिए था, अगर यहां से नहीं गया तो इस सपोर्ट पे मार्केट को रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर वहां सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो रुक जाए मार्केट, ज्यादा अच्छा है। जैसे ही यहां पर सपोर्ट बनाएगा तो एनवे बना के ऊपर जाएगा, तब मेरे को एक बाय मिलेगा,
ये मैं प्राइस सेशन एक मिनट में चेक कर रहा हूं। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर एक साइडवेज मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। ये मार्केट ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल डाल के भी तो आ सकता था नीचे। देखो मार्केट सपोर्ट बना रहा है अपना, तो सपोर्ट बना के हो सकता है मार्केट फिर ऊपर चले। तो ऐसा हो जाता है कि मार्केट अपना सपोर्ट बनाता है और फिर ऊपर चलता है। ये देखिए चल दिया मार्केट ऊपर की तरफ, गया नहीं है अभी, लेकिन जा सकता है या नहीं बताए, लेकिन जा सकता है या नहीं बताए। यस क्या हुआ? चल दिया क्या मार्केट ऊपर? प्लीज बताए मेरे को सर। वो एक मिनट में हैमर के नीचे भी सपोर्ट बन सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल बन सकता है। आप बताए मार्केट ऊपर चला चला गया या नहीं, या चलने लगा या नहीं बताए, जल्दी बोले। क्या मिल गया हमें? बाय। यस अभी देखो मार्केट धीरे धीरे, हमने अच्छा हमारा सोचना क्या था प्लीज ये बताए, हमारा सोचना क्या था जल्दी बताए, हमने क्या सोचा था? हमने बाय सोचा था या नहीं बताए? हमने क्या ढूंढा यहाँ पर? हमने ढूंढा है सपोर्ट। एक हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं ढूंढा, मैंने ढूंढा यहाँ पर एक सपोर्ट, राइट। अभी देखो इतनी देर में, ये देखो एक ट्रेड मेरा यहाँ पर हो चुका, देखो इतनी देर में ट्रेड हो चुका। ये देखो हमारा ये भी, चाहे तो मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी एग्जिट कर देता हूँ। तो चलो हमारे पास कितने, देखो कितनी देर में ट्रेड हुआ आप बताओ। मैं जानबूझ के आपको ट्रेड कर करके दिखाता रहता हूँ जिससे आपको पता रहे। देखो मैंने एक ऑप्शन उठाया यहाँ पर, और अभी करेंगे बाद में ऑप्शन, ये ऑप्शन उठाए, इस ऑप्शन ने मेरे को 1225 रुपए दे दिए। अब लेकिन देखो पॉइंट समझो, क्या ये समझना कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक बिगिनर में क्या फर्क होता है, बुरा नहीं मानना इसका, लेकिन समझना। आप यहां पर अपनी एनवेव ढूंढोगे, अभी कोई एनवेव नहीं बनी ना, यह समझो कोई बनी है देव आप ही बताओ, नहीं बनी। बगैर एनवेव के मैं बाय उठाया कि नहीं उठाया, पॉइंट समझ रहे? एक मिनट। हाँ जी अब देखिए मार्केट ने क्या अपना बाय उठा लिया, अब ये बताओ अभी आ गया क्या मार्केट का बाय? यस मार्केट को देखो, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को यहीं कहीं से, मार्केट को इस लो को ब्रेक करे बगैर यहां से वापस चले जाना चाहिए या नहीं? यस हेलो, जाना चाहिए मार्केट को, तब मार्केट एक बाय में कहलाएगा कि मार्केट बाय में है। अभी मार्केट बाय में नहीं है, अभी मार्केट वेट कर रहा है। मार्केट ने देखो ट्राई किया, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया क्योंकि ये ऊपर का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मार्केट चला यहां से नीचे, तो मार्केट अभी ये सपोर्ट पकड़ेगा, ये वाला सपोर्ट, तो नीचे का सपोर्ट पकड़ के मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट में एक एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने इसको, आप देखो मैंने इसको रखा नहीं है, देखो मैंने रखा नहीं ना इसको, मार्केट ऊपर गया मैंने छोटा सा मूव लिया, अपना पैसा लिया मैं हट गया। अब मार्केट दोबारा से नीचे आएगा तो दोबारा से मेरी एंट्री होगी, दोबारा से एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री ध्यान रखना, ये एंट्री इसी वाले स्टॉक में नहीं होगी। क्यों? एक एक स्टॉक में जो आपने पैसा कमा लिया उस पर आप दोबारा से एंट्री नहीं लोगे, इस बात का ध्यान रखना है, मेरी एंट्री दोबारा उस पर नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है कोई बताएगा क्यों नहीं होनी चाहिए एंट्री दोबारा उस पर? यस जल्दी से बताएं क्यों नहीं होनी चाहिए एंट्री दोबारा उस पर? चल दिया मार्केट ऊपर। अब देखो मार्केट की, अब जरा मेरे को एक बार बताओ, अब क्या आपको यहां पर एक एनवे बनती हुई दिख रही है? अगर इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट एक बाय साइड ले देगा, जैसो
यस प्लीज गिव मी अ सेकंड हेलो। हाँ जी, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से समझते हैं एक बार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक ना रेजिस्टेंस बना रहा है। देखो ये मेरा कॉल चल रहा है, ये मैंने ऑप्शन उठाया हुआ है, एक चल रहा है, अभी मैं इसका कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी रखा हुआ है, ठीक है। अब एक पॉइंट समझते हैं, वो पॉइंट समझने के लिए क्या है, चलो मैं इसको पहले थोड़ा हटाता हूँ जिससे पूरी स्क्रीन दिखे आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या हुआ, एक मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैं केवल प्राइस एक्शन को चेक कर रहा हूँ। मार्केट आया नीचे, मार्केट गया ऊपर, मार्केट आया नीचे, मार्केट गया ऊपर, तो आपको लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हाँ ये ना, यस राइट, रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा तो मार्केट ऊपर नहीं चल पाएगा, तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना जरूरी है। तो जैसे ही ये क्रॉस होगा तब आपका कोई बाय यहां से जनरेट हो सकता है। अभी वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ तो हम देख रहे हैं कि मार्केट वो रेजिस्टेंस क्रॉस करता है या नहीं करता है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो मार्केट अपना बाय उठाना शुरू कर देगा, लेकिन अभी रुक रहे हैं। अभी क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने अपनी एनवेव डाउन की बनाई है। देखो एक ही आया, एक ही आया, फिर ये आया, ये भी देखो इसके ऊपर नहीं गया, ये गया और ये, तो कम से कम पहले मार्केट इसके ऊपर चलेगा, फिर इसके ऊपर चलेगा, तब जाके कोई अपना बाय जनरेट करना शुरू करेगा। ये मार्केट करने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करें, एकदम से ट्रेड ना करें। ये देखो मार्केट पहले अपने हाई के ऊपर चलेगा, मैं इसको हटा देता हूं, ये देखिए आप चेक कीजिए, मार्केट सबसे पहले इसके ऊपर चलना चाहिए या नहीं, यस चलना चाहिए उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर चलेगा तो मार्केट अपना एक मूव देगा, अच्छा वाला मूव मार्केट तब देगा जब मार्केट उसके ऊपर चलना शुरू होगा, और मार्केट अभी उसके ऊपर गया। ये देखिए अब मार्केट चलना शुरू हुआ ऊपर, तो अब एक मार्केट मूव लेगा यहां से, बड़ा मूव जो कि मार्केट को ऊपर तक लेके जा सकता है। अब देखते हैं मार्केट कैसे चलता है ऊपर। अब मार्केट एक मूव की तरफ चला है, एक बड़ा मूव मार्केट यहां से ले सकता है, देख रहे। अच्छा क्या ऊपर निकल गया अभी मार्केट, अभी नहीं गया। अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने अपना मूव उठाया नहीं है, जो मार्केट को उठाना चाहिए मूव वो मार्केट ने अभी उठाया नहीं है। देखिए अभी हाई के ऊपर निकल गया क्या मार्केट, देखें जरा क्या इसके ऊपर निकला मार्केट अभी, यस और नो, नहीं निकला है। एक मूव मार्केट तब लेता है, एक मूव मार्केट तब लेता है जब मार्केट को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। तो देखिए अब मार्केट का अपना एक पॉजिटिव सपोर्ट शुरू हो रहा है, देख रहे। कोशिश ये करनी है कि जब आप ट्रेड करते हो तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करें, जिससे आपका मार्केट आपको एक अच्छा बाय दे सके। अब देखो दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट रुका हुआ है, देख रहे, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट रुका हुआ है। ये रेजिस्टेंस अभी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, अभी भी नहीं किया, देख रहे। तो अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आया, ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं, यस और नो, यस क्या बोलते हैं, तो ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं, बताए मैं जी, राकेश जी,
तब जाके मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। क्यों तेजस्वी जी, सुरेश जी, देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया नहीं, मार्केट अभी जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ऊपर, मार्केट अपना बाय पकड़ेगा नहीं। तो मार्केट को बाय पकड़ने के लिए एक कोई सपोर्ट चाहिए और एक रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ मार्केट का, जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब मार्केट अपना एक बाय उठाएगा, अभी मार्केट ने अपना बाय नहीं उठाया। देखते हैं, देखो यही पॉइंट है जो आपको अपनी ट्रेडिंग में आगे ले जाने, जैसे जैसे मार्केट अब देखो ब्रेक करेगा ऊपर तो पूरा बाय में चलेगा, लेकिन अभी मार्केट ने अपना बाय उठाया नहीं और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपना बाय उठा दे। राइट है, आप देखो जैसे ही इसके ऊपर चलेगा तो एक सडन आपका बाय देगा मार्केट, जो कि एक अच्छा बाय हो सकता है। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट उसके ऊपर चला जाए। अभी देखो मार्केट ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का एक बाय बनने के लिए रेडी है लेकिन अभी बना नहीं है। ऐसी जगह पर वेट कर लेना सबसे अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको एक मूव अच्छा मिल जाता है। यहां पर अभी मार्केट धीरे धीरे मूव लेने की कोशिश कर रहा है मगर भी पकड़ा नहीं है मार्केट ने मूव। देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है। अब देखो मार्केट को अगर और थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये देखो मार्केट डाउन में आया और यहां से नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, नीचे यहां से नहीं जा रहा है, लेकिन एक साइडवेज मार्केट डेवलप हो गया यहां पर। इसके ऊपर आपका बाय है इस पॉइंट के और मार्केट साइडवेज मार्केट को डेवलप करके बैठा है। तो मार्केट ना तो नीचे गिरा ना ऊपर गया, तो अब मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट वहां से अगर ऊपर चलना शुरू करेगा तो एक अच्छा मूव मार्केट ऊपर की तरफ ले सकता है। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके हिसाब से आप अगर आगे चलोगे तो मार्केट आपको एक बड़ा मूव दे देता है, आपको पॉजिटिव भी दे देता है। ठीक है, ट्रेड देखो मैंने यहां से ले रखे हैं, मैं आपको लेके दिखाता रहता हूं। ये देखो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड मैंने हटाया नहीं है, ट्रेड चल रहा है। कुछ क्वांटिटी आप चाहो तो जब आपको लगता है तो आप बुकिंग कर सकते हो। मार्केट में पैसा निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। पैसा निकलना चाहिए लेकिन कैसे निकलेगा ये आपको देखना है। मार्केट देखो यहाँ नीचे आया ये ऊपर गया, ये नीचे आया ये ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, इसके नीचे मार्केट गया नहीं। अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट यहां सपोर्ट तक आ जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया रेजिस्टेंस के तो मार्केट फिर अपना एक बाय पकड़ लेगा। तो इसके ऊपर आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, वहां पर आप क्वांटिटी को बढ़ा के भी रख सकते हो। तो अब देखना है मार्केट यहां पर क्या करेगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्वांटिटी ले रखी है 100 और यहां पर मेरा मार्केट चल रहा है। सर इस टाइम में सर नहीं सर, हाँ जी इस टाइम में ये सिनेरियो देखकर तो ये ऊपर जाने वाला है सर, क्योंकि हायर हाई हो रहा है कि हायर लो हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इशू क्या है कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा सकते ना, इसके ऊपर जाना तो जरूरी है या नहीं ये बताओ। मार्केट गया नहीं, इसके ऊपर चलेगा तो फिर मार्केट बाय की तरफ चल देगा, लेकिन मार्केट चूंकि रेजिस्टेंस है तो यहां से गिर भी सकता है या नहीं, रेजिस्टेंस एरिया भाई वहां से गिर भी सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट यहां पर करता क्या है। कम से कम इसको ब्रेक हो जाने दे, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाला रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक हो जाने दे। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तभी आपको एक अच्छा बाय मार्केट देके जा सकता है। ऐसे टाइम पर जब आपको मार्केट अपना प्रॉफिट दे रहा हो तो पार्शियल प्रॉफिट इसमें से जरूर बुक कर दे। पार्शियल प्रॉफिट का मतलब देखो, मार्केट अगर मेरे को ये पैसे दे रहा है तो मार्केट को मेरे को थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कितने पर है, 139.4 140 पे। देखो मैं इसको 140 पे 50 क्वांटिटी यहां से बुक कर दूंगा, कुछ क्वांटिटी में यहां से बुक कर रहा हूं। देखते हैं 39.4 140 पे कुछ क्वांटिटी मेरी बुक कर देगा यहां से, अभी ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अभी चल रहा है मार्केट। देखो यहां से कभी कभी क्या होता है कि हम तो सोचते हैं यहां से देखने में लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है कभी कभी यहीं से पूरा एक डाउन डाल देता है, बड़ा रिजेक्शन ऐसा भी हो जाता है। तो जब तक मार्केट इसको क्रॉस ना कर दे, देखो एक क्वांटिटी मेरी हट गई है, मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दे दिया। हमारा टारगेट कितना रहता है, मेरा टारगेट क्लास का रहता है 2000 पूरा लगभग हो गया या नहीं, यस और नो, आ गया लाइन पे पूरा। तो मार्केट को जब आपका प्रॉफिट बुक प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट को बुक कर ले,
और अगर मार्केट ऊपर जाए तो फिर से उसमें एंट्री कर ले। देखो मैं हटा देता हूं, अब मेरा अपना ये प्रॉफिट बुक कर दिया मैंने 1857 का या नहीं, जबकि अभी देखो आपका कोई भी पर्सन, आप तो यहां से आप बताओ इतने से में कोई बाय करने की हिम्मत करेगा क्या, बताओ आप ये सुन लो, बताओ क्या सुरेश जी, कोई बाय करने की हिम्मत करेगा यहाँ पर? नहीं नहीं सर, कोई होगा ही नहीं। अब हम यहाँ पर साइडवेज मार्केट में बाय करके बैठ रहे हैं 1900 का भी एक कॉल बाय करके रख सकते हो आप 1900, ठीक है, इसको भी आप एक बाय करके रख सकते हो 87 रुपीज का है, अभी तो टाइम है, इसमें टाइम है, इस पे भी एक बाय करके रख सकते हो आप। मार्केट अगर ऊपर चलेगा, अगर इसके ऊपर चला तो मार्केट एक बाय ले लेगा, देखते हैं, अभी गया नहीं है देखो मार्केट, अगर इसके ऊपर चलेगा तो अपना एक बाय उठाएगा यहां से, किसी भी स्टॉक में बाय कर सकते हो, ऑप्शन में, फ्यूचर में, जिसमें मर्जी आप बाय करो, सारे बाय आपके वैलिड होंगे, सब आराम से चल सकते हैं, ठीक है। बस कोशिश ये करनी है कि जब आप बाय करते हो तो उस टाइम पर लॉजिकल बाय, लॉजिकल बाय का मतलब देखो इसके ऊपर मार्केट कितनी देर होगी, इतने मिनट हो गए मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो आपका बाय शुरू होगा, अभी देखो मार्केट जब चलेगा तब तेजी से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं गया, तो जब तक मार्केट ना जाए अपने हाई के ऊपर तब तक एकदम से बाय करना सही नहीं है। अभी देखो हम और बाय नहीं कर रहे, अभी मार्केट ट्राई कर रहा है इसके ऊपर जाने की, गया नहीं है। पहले इसको कैसे समझेंगे, मैंने बोला मार्केट की एक ये वेव आई, एक वेव आई, इसके नीचे मार्केट गया नहीं, उसके नीचे मार्केट गया नहीं, तो आप उसके ऊपर एक बाय कर सकते थे। देखो आप चला मार्केट ऊपर, देख रहे आप मार्केट ऊपर चला है तो मार्केट आप मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो वहां से आप अपना कोई बाय उठा सकते थे आराम से, राइट है। अभी देखो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चल रहा है, अभी गया नहीं, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने बहुत देर में तोड़ा, देख रहे ये रेजिस्टेंस मार्केट ने बहुत देर में तोड़ा है, एकदम से नहीं तोड़ा, तो मार्केट अभी वेट करेगा यहां पर करना क्या है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चला तो मार्केट हाई तक जा सकता है, यहां तक मार्केट मूव कर सकता है, और ये मार्केट का आज का ओपन है, इसके ऊपर मार्केट बाय में निकल सकता है, ये पूरा सिस्टम है, ऐसे मार्केट चल सकता है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अब ये चूंकि रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा यहां पर मार्केट का, अभी कोई बाय आया नहीं है, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक किया नहीं, तो ये कैंडल ग्रीन होनी बहुत जरूरी है, अगर ग्रीन हो जाएगी तो मार्केट एक अच्छा मूव आपको देके चला जाएगा, हम यही वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या, वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो मार्केट एक बाय में निकल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है छोटे छोटे से, जिनको आप अगर चेक करोगे तो वो आपके काम में आ जाएगा और वो आपको फिर हेल्प भी करेगा उसमें। अभी देखो मार्केट गया नहीं है, गया नहीं है बाय में, अभी मार्केट वेट कर रहा है, फिर से नीचे आ गया मार्केट, फिर से देखो इसको ब्रेक नहीं किया, अभी भी वो हाई ब्रेक नहीं हुआ आपका, देख रहे अभी भी वो हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो वो हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है, अभी भी नहीं हुआ, देख रहे ये पॉइंट है छोटे से, जो कि हमें यहां पर कभी कभी जब ट्रेड लेते हैं तो हमें देखने पड़ते हैं। ये देखो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, अब बस हमारा कंडीशन ये है कि लो भी ब्रेक ना हो, अगर लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट एक बाय में चल पाएगा, राइट है, लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट एक बाय की तरफ चल पाएगा, और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बाय की तरफ चल दे, जैसे ही इसके ऊपर चलेगा मार्केट तो बाय में जाएगा। तो ये देखो एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस एकदम से ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने में मार्केट को टाइम लगता है, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो एक सपोर्ट बन जाता है, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट एक बाय साइड में चले और अपना मूवमेंट ले ले। देखो अभी मार्केट ने दो चीजें नहीं की, पहली चीज क्या है नहीं की मार्केट ने, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, नंबर एक बार, दूसरा अपना लो ब्रेक नहीं किया, ये मेरा लो है, लो भी ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट को फिर से एक ऑब्जर्वेशन टाइम आ गया, मतलब मेरे को इस समय ढूंढना है कि मार्केट यहां पर कर क्या रहा है, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलेगा, इसको ब्रेक करेगा तो ही मेरा बाय बनेगा, तब तक मेरा कोई बाय नहीं बन सकता। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि अगर हम सोच समझ के थोड़ा सा काम करेंगे तो शायद हमें अच्छे मूव मिल जाते। वेट करना है बस हमें यहां पर,
वेट करते हैं मार्केट को कि यहाँ पर करेगा क्या। हाँ जी सर, आपने वो प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से उसी स्टिक में के ट्रेड नहीं करना बोला था ना सर, क्यों सर? क्यों इसलिए नहीं करना कि देखो होता क्या है अक्सर हमारे पास, सपोज मैं बोलता हूँ मेरा सपोज 2000 का प्रॉफिट हो गया, आप किसी ट्रेड में घुसोगे तो आपके एक तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात एक इशू और होगा आपके साथ कि देखो अगर मार्केट में लॉस होता है ये प्रॉफिट कम होता जाएगा या नहीं, आप बताओ? अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट कम होता जाएगा, यस और नो बताए? नहीं होगा, नहीं समझे? आपको अगर मैं बोल रहा हूं 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, अब पता लगा आपने दूसरा ट्रेड इसी में उठा दिया, उसमें 1000 का लॉस हो गया, तो आपका ये प्रॉफिट 1000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं, बताओ? सर अगर दूसरे में लॉस होता है तो भी तो कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में? होगा, लेकिन इसमें आपके चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं एक ही ट्रेड में बार बार घुसने पर, ठीक है। दूसरा, आपको अपना जो लास्ट का जब आप स्टेटमेंट निकालते हो तो उसको समझने में इशू होता है। वैसे भी बार बार एक हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि अगर हम एक ही ट्रेड में बार बार घुस रहे तो वो ट्रेड हमें नुकसान देना शुरू कर देता है। तो एज ये साइकोलॉजी जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो समझ में आएगी, तो इसलिए हम घुसते नहीं उसमें, एक ट्रेड में जबरदस्ती नहीं घुसते। अगर मेरा कोई लॉस भी हो रहा है तो मैं दूसरे ट्रेड से पूरा कर लेता हूं, मैं एक ट्रेड की बजाय दूसरे ट्रेड से उसके पूरा करता हूं बजाय एक ट्रेड में अंदर घुसने के, अक्सर हम नहीं घुसते। बाकी जैसे ही आप जाएंगे उसके ट्रेड के अंदर जाएंगे तो ये आपको अपने आप समझ आना शुरू होगा या नहीं? हाँ या ना बताए? जैसे जैसे ट्रेड के अंदर घुसना शुरू करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आनी शुरू होंगी। बस मेरा भी सजेशन है यही है कि मार्केट में अगर एक ट्रेड आपने ले लिया है, वन ट्रेड, तो उस ट्रेड के अंदर बार बार नहीं घुसे, ठीक है। एक ट्रेड ले लिया, एक प्रॉफिट हो गया तो आपका बस वो छोड़ दे, दूसरे ट्रेड के अंदर घुसेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो मार्केट तब से क्या कर रहा है, ये देखो आपका मार्केट बार बार इसी जोन में घूम रहा है, इसका मतलब इसको ब्रेक करने की सोच रहा है मार्केट या नहीं? हाँ या ना सोच रहा है? तो मार्केट एक आपको वहां से ऊपर का मूव दे सकता है, ये पॉजिटिव मार्केट बन सकता है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो जाए, अभी हुआ नहीं है। अभी मार्केट अगर पॉजिटिव मार्केट में कन्वर्ट होगा तो मार्केट एक मूव देगा आपको, अभी आया नहीं है। देखो फिर से उसी जगह पर जाके रुक रहा है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है या नहीं है बताओ? और जब ये क्रॉस हो जाएगा तब, यस, जब ये क्रॉस होगा तो क्या होगा ये बता दे जल्दी से बोले, तब आपका एक बड़ा मूव आ जाएगा या नहीं? हाँ, बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां से आपको मार्केट को समझोगे तो मार्केट आपको पॉजिटिव मूव देना शुरू कर देगा। लेकिन मार्केट को हम समझते नहीं है और हम जल्दी से उसमें घुस जाते हैं और मार्केट हमें वहीं पर ही नुकसान देता है, वहां पर हमें मार्केट बड़ा नुकसान देना शुरू कर देता है तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप काम करते हो तो मार्केट को पहले समझो। देखो एक मिनट में समझने के लिए यूज कर रहा हूं मैं, तो खैर अपने ट्रेड उठा लेता हूं, लेकिन आप समझो एक मिनट में समझने के लिए यूज कर रहा हूं। मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, देखिए नहीं ब्रेक कर पा रहा है, लेकिन जब इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा? एक शूट करके ब्रेक करेगा या नहीं, आप बताओ? आपके सामने ही है मार्केट, एक बड़ा शूट करके ब्रेक करेगा या नहीं बताओ? नीचे भी गिर सकता है मार्केट, लेकिन अगर शूट करेगा तो एक बड़ा शूट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। तो एक आपको शूट ऊपर की तरफ मिल सकता है। अब देखो मार्केट वेट कर रहा है, हो सकता है यहां पर कोई पिवोट हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है, इस जगह पर कोई पिवोट भी हो सकता है। हम अगर मैं यहाँ पर पिवोट लगा के देखूं तो मेरे को ये भी पता लगेगा कोई पिवोट पॉइंट है यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखो मार्केट अब पिवोट के ऊपर बैठा हुआ है, सपोर्ट पे बैठा है। अगर थोड़ा सा पास करके दिखाऊं तो देखो सपोर्ट है, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट अब चलने की कोशिश करेगा ऊपर, चला कि नहीं चला बात बताए? हो गया, पहुंच गया मार्केट ऊपर। अब देखो अपने ये जो रेजिस्टेंस मार्केट का था इसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, देख रहे? ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि मार्केट में हमें मूव करने के लिए हेल्प करते हैं कि कब मार्केट एक बड़ा मूव लेगा या कब मार्केट एक
मूव के साथ में निकल सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप इनके साथ में चलोगे तो मार्केट आपको कई जगह पर बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट दे सकता है। अभी देखो कुछ मूविंग एवरेज लगाना सकेगा, कुछ भी आप मूविंग एवरेज लगा दो इस पे। एक मिनट मैं इसको हटा भी देता हूँ ट्रेड को। आप इसमें मूविंग एवरेज के साथ में चलो। देखो अब चलो मूविंग एवरेज हमने एमए किया था ना, हमने मूविंग एवरेज किया था। अभी देखो चलो मैं इसमें एक मिनट पे मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। मार्केट इस समय बाय में है या सेल में, आप लोग बताएं जरा। यस, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं। देखो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ट्रेड में कोई इश्यू नहीं है। देखो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड में मैं और थोड़ी बुकिंग कर देता हूँ। यहां से 200 क्वांटिटी में और बुक कर देता हूँ, ये मैंने बुक कर दी है, राइट है। और भी थोड़ी सी बुकिंग कर देते हैं तो मैंने यहां से 50 क्वांटिटी बुकिंग और कर दी। अब आप देखो, अब हमारा लगभग कितनी देर हमें लगी यहाँ पर, हमने पैसा कमाया कितना, लगभग 3,500 रुपए, राइट है या रॉन्ग बताओ। आ गया, पैसा मिल रहा है ना, लेकिन पैसा कब देगा मार्केट। अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं, पैसा कब देगा। इसे भी हटा देता हूं, मेरा कोई काम नहीं इसका। हमने पूरा पैसा कितना कमाया इस पूरे ट्रेड में, हमने पूरा पैसा कमाया 3,500 रुपए। तीनों ट्रेड आपके सामने लिए हुए हैं कि नहीं बताओ। यस सर, तीनों ट्रेड सामने लिए गए, पैसा भी कमाया गया, लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, हमने सबसे पहले अपना एक सपोर्ट ढूंढा कि नहीं ढूंढा। हमने देखा मार्केट कर क्या रहा है, उसी के हिसाब से तो हमने ट्रेड किया या नहीं बताओ। ऐसे तो हमने ट्रेड नहीं किया, हमने मॉर्निंग में, रिपीट करते हैं सारा कुछ, मैंने मॉर्निंग में आपसे बोला कि मार्केट कहां पर खुल रहा है, दोबारा से एक बार रिपीटेशन में लाते हैं सारी चीजें। मैंने आपको बोला कि मार्केट मॉर्निंग में हमने देखा मार्केट खुल रहा है ऊपर, मार्केट जबकि मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर भी देखो हमने अपनी बाय करी, पैसे भी निकाले, सब किया, लेकिन मार्केट इस पॉइंट से यहां खुलना था। मार्केट को चूंकि मार्केट एक गैप अप खुला था, बाय में खुला था, तो मार्केट को हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो भागना चाहिए था ऊपर या नहीं। क्यों सुरेश जी, भागना चाहिए था मार्केट गैप अप खुल के? नहीं भागा ना, नहीं भागा। हमने क्या प्रोबेबिलिटी डाली थी यहां पर, हमने बोला था मार्केट चूंकि गैप अप खुल रहा है तो मार्केट शायद गैप भरने नीचे आ सकता है, ये हमने माना। अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमने ये भी माना कि मार्केट का पहला सपोर्ट तो यही है और दूसरा सपोर्ट ये हो सकता है, तो मार्केट अगर नीचे आने लगेगा तो यहां तक सपोर्ट लेगा, उसके हिसाब से हमने कोई ट्रेड भी डाले और हमने कुछ अपना पैसा भी निकाला यहां पर। अब पॉइंट ये आया कि मार्केट जब इसको इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब एक घंटे की कैंडल को ग्रीन कर देगा या नहीं, तब आपके पास एक बड़ी बाय बननी शुरू हो जाएगी या नहीं। यस और नो, बन जाएगी, तब एक बड़ी बाय जनरेट हो सकती है अभी। लेकिन देखो इस टाइम पर जल्दी से कोई ट्रेड नहीं लेता है, लेकिन जिसको ट्रेड लेना होता है तो अभी कितने बजे हैं, अभी देखो अभी बजे 9:48, मतलब कितने मिनट हुए, आधा घंटा, 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर हमने अपने ट्रेड पूरे कर लिए हैं। देख रहे, 30 मिनट के अंदर हमने अपना पैसा निकाल लिया, तीन ट्रेड लिए, तीनों पॉजिटिव, और मार्केट में हमें पैसा मिल गया। मेरी क्लास का टारगेट था 2000, फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही निकल गया, ये हमें उतना लेना नहीं था पर निकल गया। तो मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। अगर आप सोच समझ के ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा और वहां पर से पैसा मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हम एक मिनट पे गए और हमने यहाँ पर जाके देखा कि मार्केट कर क्या रहा है। मूविंग एवरेज दो मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, दोबारा लगा दूंगा। मैंने देखा कि मार्केट नीचे तो आया, मार्केट यहाँ पर दो काम कर सकता था। क्या काम, मार्केट नीचे आता, एनवे बनाता, ऐसे चलता यहां तक भी आ सकता था और नीचे भी गिर सकता था। मैंने देखा मार्केट का मोमेंट क्या है, मार्केट रुक कहां पर रहा है, इस पॉइंट को जरा ध्यान देना। मैंने सोचा मार्केट रुक कहां पर रहा है तो मेरे को पता लगा मार्केट ने एक एंड वेव ये बनाई, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और यहां से ना रिटर्न आ गया, तो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस। फिर मैंने देखा मार्केट कर क्या रहा है, देखा ये जो लो बनाया इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। अब फिर मैंने देखा ऊपर एक रेजिस्टेंस, फिर से इसी पॉइंट से वापस आ रहा है, फिर से रेजिस्टेंस, फिर मार्केट गया यहीं से वापस आ रहा है, रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट को देखा, इसका मतलब ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया।
अब क्रिएट हो गया मार्केट, अगर इसके ऊपर चला गया तो अब इसके ऊपर बाय बनाएगा मार्केट, अगर जाता है तो, या तो गिर जाएगा नीचे या ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो एक बाय बनाएगा मार्केट, हमने यही माना और उसी टाइम पर हमने एक बाय उठाई है। मार्केट देखो यहां पर अब सपोर्ट पकड़ रहा है अपना, नीचे भी गिर सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा बाय कब होता है, सबसे अच्छा बाय होता है आपका ओपन के ऊपर। तो ओपन है ये, मतलब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फुल फ्लैश बाय में हो जाएगा। और यहां पर आपकी जो कैंडल है वो भी आपका वन आर की कैंडल ग्रीन हो जाएगी, तो वहां पर आपका एक बड़ा अच्छा बाय बन सकता है। अब एक पॉइंट को ध्यान रखना कि जब आपका नोट आता है, मतलब नोट का मेरा मतलब है एक कंसोलिडेटेड नोट आता है, जब आप बाय करते हो तो कैसे करते हैं, मैं स्टॉक में भी दिखा देता हूं किसी आपको, कि जब स्टॉक्स वगैरह में बाय करते हो तो लास्ट में जब आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट आता है तो वो कैसे आता है निकल के, और कैसे मार्केट आपको मतलब कल जब आप ट्रेड करोगे तो अगले दिन जो आपका नोट आता है, ठीक है, जिसमें बाय सेल दिखे होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, एक पॉइंट समझना। देखो क्या होता है, मैंने सपोज किसी स्टॉक को, मैं एक स्टॉक कोई भी पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ, या कोई स्टॉक पकड़ लेता हूँ, कोई स्टॉक है सपोज एक्सिस बैंक है ना, मैंने बाय किया एक्सिस बैंक को, पता लगा मैंने पहला बाय यहां पर किया और यहां पर प्रॉफिट में निकाल दिया, मेरे को सपोज 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, फिर मार्केट पता लगा कहीं और था, इस पॉइंट पे मैंने यहां पर बाय किया और यहां से ऊपर गया, मैंने 100 रुपीज यहां भी निकाल दिए। तो आप कैसे काउंट करोगे, आपकी काउंटिंग कैसे है और ब्रोकर की काउंटिंग कैसे होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक ट्रेड में बार बार नहीं घुसना होता, अगर घुसना है तो तरीके से घुसना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, आप तो बोलोगे मैंने 100 रुपीज यहां कमाए, 100 रुपीज यहां कमाए, हो सकता है 100 रुपीज यहां कमाए, 100 यहां कमाए, 100 यहां कमाए, तो टोटल मेरे हो गए 500। ऐसी कैलकुलेशन करेंगे आप या नहीं, ठीक है, इसमें से 200 रुपए ब्रोकरेज के चले गए, 300 रुपए मेरे आ गए, मैं ऐसे समझूंगा 300 रुपए का मेरा फायदा है, मेरी कैलकुलेशन है ये। लेकिन ब्रोकर की कैलकुलेशन क्या होती है, इस बात को समझो, ब्रोकर ये नहीं देखता कि आपने यहां पर से कितने कमाए, इधर कितने कमाए, इधर कितने और इधर कितने और इधर कितने, कुछ नहीं होता। ये कैसे करता है ब्रोकर, ब्रोकर आपका बोलेगा आपका ये बाय है, एक बाय आपने यहां पर डाली, एक बाय यहां पर डाली, एक बाय यहां पर डाली, ठीक है, ये बाय सपोज 500 रुपए पे थी, ये बाय सपोज आपका 510 पे थी, ये बाय आपका 490 पे थी और ये बाय सपोज 520 पे थी। तो वो क्या करेगा, इन सब का एवरेज निकाल देगा, एवरेज सपोज कितना निकला, एवरेज निकला सपोज 500 फॉर एग्जांपल, तो वो ये मानेगा कि ये सारी बाय आपकी कितने पर हुई, 500 पे। और अब आप बोलोगे कि मेरी सेल कहां पर हुई, आपने जब सेल का पॉइंट लगाया तो आपने बोला 502 पे सपोज मेरा सेल आ रहा है, सारी एवरेज निकालने के बाद, तो 500 पे बाय, 502 पे सेल, आपकी क्वांटिटी कितनी, टोटल क्वांटिटी आपकी हो गई सपोज 200 रुपी, तो कितने पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर गया, तो मतलब आपको 400 रुपए मिल गए, ये आपका होगा। और इसमें ब्रोकरेज हटा के जो भी आपको मिलेगा, सपोज 200 रुपए ब्रोकरेज के जा रहे थे तो 200 रुपए आपको बचे, आपकी कैलकुलेशन बोल रही थी 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ब्रोकरेज के कैलकुलेटर ब्रोकर की कैलकुलेशन बोल रही है 200 का प्रॉफिट हुआ, पॉइंट समझे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं एक ट्रेड में बार बार नहीं घुसना है, और अगर आपको लगता है मेरे को घुसना है, 1% आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को तो घुसना ही है, तो फिर आप एक छोटा सा काम करना, अगर कई बार घुसना भी पड़ता है, किसी एंटर करनी पड़ती है, तो आप कोशिश ये करना कि सपोज आप 500 प्राइस से बाय किया था तो अगली बार इससे ऊपर बाय मत करना, कोशिश करो कि इससे नीचे ही करो 490। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने 510 से बाय किया तो एवरेज चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और अगर आपने इससे नीचे बाय किया तो एवरेज चला जाएगा बाइंग का नीचे की तरफ। अगर देखो 500 और 490 किया तो मेरा एवरेज बनेगा 495 का, और अगर 500 और 510 पे किया तो मेरा एवरेज बनेगा 505 का। जितना ये एवरेज नीचे रहेगा और सेल का एवरेज ऊपर रहेगा, सेल को ज्यादा पे बेचना है और बाइंग कम पे करनी है। मैंने बोला मेरा 510 पे मैंने सेल किया है और 495 पे मैंने बाय किया है, तो ये डिफरेंस मेरा बड़ा हो जाएगा, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझे आप लोग या नहीं, बताए यस और नो, बात आए समझ में सुरेश जी, श्रीकांत जी, राकेश जी,
दोबारा समझे, देखो अब आपके पास क्या होगा, मार्केट में नोट कैसे होता है, कैसे आपको ब्रोकर एक बाय सेल पूछता है, बाय सेल समझना इसको, देखो मैं समझाता हूं आपको, ये प्राइस चल रहा है 1000, ये 1000 चल रहा है, मैंने यहां पर 1000 पे बाय किया, 1008 पे बाय किया, और आप बोलते हो मैंने 1020 पे सेल कर दिया सपोज, तो लगभग 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिला मेरे को, ठीक है, और यहां पर 100 क्वांटिटी थी तो मेरा यहां 1200 रुपए का प्रॉफिट मिल गया सपोज मेरे को। लेकिन अब केस क्या हुआ, आपको दोबारा ट्रेड उठाना है, आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, लेकिन अच्छा ट्रेड कहां मिल रहा है, सपोज मैं बोलता हूं मेरे को अच्छा ट्रेड मिल रहा है ऊपर यहां पर, तो अब केस क्या होगा, इसका जो मेरा जो मैंने उठाया है ये कितने पे उठाया, 108 पे, मतलब मेरा बाइंग प्राइस क्या हुआ, 1008, ठीक है, 1008, और मेरा सेलिंग प्राइस कितना बना, 1020। अब जरा पॉइंट बताओ, अगर मैं इसके ऊपर बाय करता हूं, मैंने सपोज 1030 पे बाय किया, तो आपका ये 1008 और 1030 इसका एवरेज निकलेगा ना, ये एवरेज जाएगा ऊपर की तरफ, राइट, 1015 सपोज एवरेज हुआ, तो 1015 आपका एवरेज बनेगा, तो आपका एवरेज बन गया 1015, और 1020 सपोज आपका सेलिंग प्राइस है, तो 5 का ही डिफरेंस रहा। लेकिन अगर मैंने इसको नीचे बाय किया, ये 1008 है, मैंने सपोज 990 पे बाय किया, अगला नीचे बाय किया, तो और मैंने इसे 1020 पे ही सेल किया, तो मेरा एवरेज क्या बनेगा, अभी तो मेरा एवरेज ये बन रहा था 1008 990 पे, तो सपोज मैं बोलता हूं 995 मेरा एवरेज बन गया नीचे का बाइंग का एवरेज, और मेरा सेलिंग का एवरेज 1020 ही है, ऊपर बेचा था मैंने, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस बहुत हो जाएगा कि नहीं। तो अब अगर मैं 100 क्वांटिटी मैंने सपोज टोटल बाय की है, तो मेरे को ये डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब 995 और ये 1020, मतलब 25 पॉइंट, ये 25 पॉइंट का मेरे को डिफरेंस मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गए 2500 रुपए। ब्रोकर ऐसे कैलकुलेट करता है, ये पॉइंट शायद समझ गए होंगे आप लोग, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलेगा जो अगले दिन आपके पास आता है जब ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें आपको ये बाइफर्केशन फिर मिलेगा, आपने कहां से कौन सा बाय किया, कहां से, सब दिखाएगा वो, लेकिन एवरेजिंग आपका ऐसे ही होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहली बात तो किसी ट्रेड में बार बार नहीं घुसना, नंबर एक, अगर आप घुसते भी हो तो एक बार आपने यहां से बाय किया तो दोबारा नीचे कहीं से बाय करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मार्केट इस समय चल रहा है, मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, अब तो कोई नहीं चल रहा शायद, अब तो सारे खत्म कर दिए, ऑर्डर दे। अब देखो सपोज ये इसमें मैं घुसा था, ये कोई स्टॉक है सपोज कॉल है ऑप्शन है, तो इसमें मैं घुसा था, तो मैं अगर मैंने यहां से बाय कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे स्टॉक में घुसूंगा, या फिर अगर घुसना ही है तो मैं इसको थोड़ा नीचे आने दूंगा, नीचे बाय करूंगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो मैं एक एक उसके अंदर में नहीं घुसा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो, अभी आपने ऑप्शन करे नहीं होंगे लेकिन फिर भी नॉर्मल प्राइस पे चेक करो, 19800 पे एंट्री की, दूसरी एंट्री 850 पर थी, मतलब अलग ऑप्शन राइट इसके केस में, और 900, इसका मतलब ऐसे सोचो सबसे पहले मैंने किस में एंट्री की थी, अगर आपको ध्यान है ये मैंने 19900 पर एंट्री की थी, फिर मैंने 19850 पर एंट्री की थी, फिर मैंने 19800 पर एंट्री की, नीचे एंट्री कर रहा हूं देखो मैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मेरा एवरेज डाउन में जाएगा, ये फर्क होता है थोड़ा सा, ये जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये चीज समझ आती रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में सोच समझ के ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, और जब तक आप सोच समझ के नहीं करोगे वो मार्केट आपको नुकसान देगा, आपके सामने ही है, देखो मैं ट्रेड कर करके दिखाता रहता हूं, इसलिए कि आपको ये चीजें समझ आती रहे। तो अगर निफ्टी में दोबारा जाता हूं तो निफ्टी ने अब क्या किया, वापस चलते हैं देखते हैं निफ्टी ने अब क्या किया है, निफ्टी को एक बार समझ लेते हैं फिर क्लास को रोकता हूं जरा मैं। यहां पर देखो मार्केट में क्या हुआ, हमने कंसेप्ट शुरू में भी ये समझा था कि मार्केट चूंकि ऊपर खुल रहा है, जरूरी नहीं है मार्केट ऊपर जाए, 50-50 चांस है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहां तक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, अगर यहां पर कहीं पर सपोर्ट लेके लेगा तो पता कैसे लगेगा, ये कैंडल वापस चली जाएगी, तो अगर थोड़ा पास से करके देखोगे तो ये कैंडल देखो वापस जा रही है, ये कैंडल वापस जा रही है, लेकिन अभी ओपन के ऊपर नहीं गई, ओपन के ऊपर जाने में टाइम लग सकता है,
जैसे ही ओपन के ऊपर जाएगी तो इसे सपोर्ट कौन सा मिलेगा, ऐसे भी समझ लेते हैं। अभी सपोर्ट कौन सा वाला पकड़ने की कोशिश कर रहा था मार्केट, ये वाला, देखो ये वाला सपोर्ट। अब इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो कौन सा सपोर्ट पकड़ेगा, ये वाला, इस सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा मार्केट, फिर आराम से ऊपर चल पाएगा। तो इसके ऊपर एक अच्छी बाय आपकी जनरेट होगी, जबकि हमने पहले पैसे निकाले, लेकिन इसको इसके ऊपर बाय देंगे, इसके ऊपर बाय देंगे, एक अच्छी बाय आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। अगला वाला जो आपका ट्रेड होगा, कल जो ट्रेड होगा, वो मैं आपको स्टॉक में लेके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब एक